अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्यूरिफिकेशन की नेक्स्ट मेथड पर, और ये नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन, आसवन। ओके, तो देखो बच्चों, डिस्टिलेशन मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एंड वेपर इनटू लिक्विड। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को वेपर में और फिर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसे बोलते हैं क्या, डिस्टिलेशन। ओके, यही लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एंड वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। वह प्रक्रम जिसमें द्रव को वाष्प में तथा वाष्प को द्रव में बदला जाता है, आसवन कहलाता है। ये है लिक्विड, हमने उसका वेपराइजेशन किया, वाष्पीकरण, हीट किया, तो ये वेपर में चेंज हो गया। फिर वेपर को कंडेंस्ड किया है, मतलब कंडेंसेशन किया, संघनन, तो ये लिक्विड में आ गया। तो इस तरह का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन। ये मेथड तब यूज की जाती है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लिक्विड स्टेट में होते हैं और वेपर में चेंज हो सकते हैं। ओके, यही मैंने लिखा है कि मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि इस विधि द्वारा द्रव कार्बनिक यौगिकों का शोधन एवं पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिस्टिलेशन के टाइप्स में, और फर्स्ट है सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, साधारण आसवन। तो देखो बच्चों, जो सिंपल डिस्टिलेशन है, ये मेथड तब यूज की जाती है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज्ड नहीं होता और इस कंपाउंड में नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं। ओके, फिर से सुने, इस मेथड का यूज तब करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज्ड नहीं होता और उसमें जो मिली हुई इंप्योरिटीज हैं वो कैसी हो, नॉन वॉलेटाइल। एक तो ये है कंडीशन, दूसरा है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स हो टू या इससे भी ज्यादा जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 30 से 50 केल्विन का होता है। समझ गए ना, मतलब है कि टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर मिक्स्ड हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में 30 से 50 केल्विन का डिफरेंस है तो भी सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज की जाती है। समझ गए बच्चों कि इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक पर नष्ट नहीं होता, विघटित नहीं होता और कार्बनिक यौगिक में मिली हुई जो अशुद्धियां हैं वो नॉन वॉलेटाइल हो, अवाष्पशील हो। मींस जब हम लिक्विड को गर्म करें तो केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी प्योर स्टेट में वेपोराइज्ड हो जाए और जो उसकी इंप्योरिटीज है नॉन वॉलेटाइल वो फ्लास्क में रह जाती है। या फिर तब यूज करते हैं इस मेथड का जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिक्स हैं एक दूसरे के साथ उनके बॉइलिंग पॉइंट 30 से 50 केल्विन का डिफरेंस रखते हैं। समझ गए ना, तो यही लिखा है कि दिस मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड कंटेन नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज। समझ गए बच्चों कि उसमें ऐसी इंप्योरिटीज हों जो नॉन वॉलेटाइल। इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ इम्प्योर लिक्विड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन वेपर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑब्टेन। समझ गए बच्चों, इसमें इम्प्योर लिक्विड को हम क्या करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं। ऐसा करने से प्योर लिक्विड की हमें वेपर मिल जाती है एंड कलेक्टेड सेपरेटली एंड नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन फ्लास्क। और जो वेपर मिल रही है उसको सेपरेट करके और उसको कंडेंस्ड किया जाता है, फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है और जो नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज थी वो फ्लास्क में रह जाती है। फिर लिखा कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर टू और मोर लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय 30 टू 50 केल्विन। ये मेथड तब भी यूज कर सकते हैं जब टू लिक्विड्स या इससे भी ज्यादा लिक्विड्स मिक्स हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट 30 से 50 केल्विन का डिफरेंस रखते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ ईथर 308 केल्विन प्लस टॉलुइन 384, ये दोनों मिक्स हैं तो हम इन दोनों को
एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका डिफरेंस हो। जस्ट ऐसा ही हेक्सेन और टॉल्यूइन को सेपरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में 30 से भी 31 केल्विन का डिफरेंस है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, एसीटोन और ईथर का सेपरेशन कर सकते हैं। तो समझ गए बच्चों कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक पर विघटित नहीं होता और इसमें अवस्थशील अशुद्धियां मिली होती। इसमें अशुद्ध यौगिक को गर्म करते हैं तो शुद्ध यौगिक की वाष्प प्राप्त हो जाती है, जबकि अवस्थशील अशुद्धियां फ्लास्क में शेष रह जाती हैं। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक द्रवों में क्वथनांक कितने का, मतलब 30 से 50 केल्विन का अंतर रखते हैं, और यही एग्जांपल देने हैं। समझ गए ना, ईथर है, टॉल्यूइन, इनको पृथक कर सकते हैं, हेक्सेन और टॉल्यूइन को अलग कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। इसके अलावा अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं तो वो तो सेपरेट किया ही जा सकता है। तो यहां तक समझ गए होगे। इस तरह का मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा दूं, ठीक है, कि किस तरह से ये मेथड यूज होती है। सिंपल डिस्टिलेशन बिल्कुल सिंपल सी है, ओके, कि इसमें सिंपल इसलिए नेम रखा है सिंपल डिस्टिलेशन। आप देखोगे कि इसमें इस तरह का एक फ्लास्क होता है, ओके, और उस फ्लास्क में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर रख दिया जाता है लिक्विड स्टेट में, और इसको वाटर बाथ में रख के हीट किया जाता है डायरेक्ट, नहीं तो फ्लास्क टूट सकता है। और यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया जाता है बच्चों, कंडेंसर में लगातार पानी की सप्लाई चलती है, ठीक है, ताकि इसमें जो वेपर बन रही है वो क्या हो जाए, यहाँ से पानी आउट होता है और यहाँ से पानी वाटर को क्या करते हैं, इन होता है एच के, और ये जो है ये कंडेंसर है, तो यहाँ से जो वेपर बनी यहाँ आती है, तो ये है कंडेंसर, ठीक है। यहाँ पर हमें लिक्विड डिस्टिलेट मिलता है जो कि हमें प्योर स्टेट, मतलब हम ये कहें कि प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है, जबकि यहाँ पर क्या था बच्चों, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से ये है सिंपल डिस्टिलेशन। समझ गए होगे ना कि ऐसे लिक्विड्स मिक्स हों जिनके बॉइलिंग पॉइंट 30 से 50 केल्विन का डिफरेंस रखते हों, उनको सेपरेट किया जा सकता है, उनको प्यूरिफाइड किया जा सकता है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हों तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा करने से जो इम्प्योरिटीज हैं वो लेफ्ट रह, मतलब उस फ्लास्क में रह जाती हैं, और प्योर लिक्विड की वेपर मिल जाती है, उस वेपर को कंडेंस्ड करके और एक डिस्टिलेट मिलता है जो कि प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ओके। तो ये नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिस्टिलेशन मेथड है, और वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। अब देखो बच्चों, अब सपोज टू और मोर लिक्विड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसी इंप्योरिटीज मिली है जिसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लगभग आसपास है। मींस टू और मोर लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स हों, या इम्प्योरिटीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिक्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में 10 से 15 केल्विन का डिफरेंस हो, मींस वो काफी क्लोज हो, तब ऐसे में सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज नहीं की जा सकती। क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन अगर हम यूज करेंगे तो सारे लिक्विड्स एक साथ वेपोराइज्ड हो जाएंगे, और जो वेपर आएगी उसमें वही लिक्विड्स फिर मिले होंगे। तो ऐसा होने पर मीन्स जब लिक्विड्स मिले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिक्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है 10 से 15 केल्विन का डिफरेंस हो, तब ऐसे में क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज होती है। इस मेथड में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है जिसमें रिपीटेड डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन होता है, मतलब वेपर ऊपर चढ़ी, ए और बी मान लो टू कंपोनेंट्स ऊपर गए वेपर बन के, तो एक बार उनका कंडेंसेशन होगा और फिर वेपोराइजेशन होगा। तो कंडेंस्ड होगा तो जो लिक्विड हाई बॉइलिंग पॉइंट का है वो तो कंडेंस्ड हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर बन के थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा, और ऐसा बार बार कॉलम के अलग अलग पार्ट पर बार बार डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन चलता रहता है। और ऐसा होने पर
जो मोर वॉलेटाइल लिक्विड है, मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पर पहुंच जाता है, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है वो लिक्विड वन के नीचे आ जाता है फ्लास्क में। और ऐसा करके धीरे धीरे एक एक करके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वेपोराइज्ड करके और सेपरेट किया जा सकता है। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर लिक्विड आर वेरी क्लोज। समझ गए बच्चे, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब बहुत ही क्लोज हो 10 से 15 केल्विन, देन सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स कैन अचीव्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ गए ना, तब इस मेथड का यूज होता है, व्हिच इन्वॉल्व रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन या हम ये कह सकते हैं कि वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, ये एक रिपीटेड वेपोराइजेशन कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन कंडेंसेशन मतलब टू लिक्विड ए और बी यहां पहुंच गए एक बार वेपर बन के, फिर यहां पर फिर वेपोराइजेशन हुआ, ऊपर पहुंच गया एक लिक्विड और एक नीचे रह गया, ठीक है, फिर अगला इसी तरह से चढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ। तो डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन इट इज कैरिड आउट यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें किसका यूज होता है बच्चों, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अभी मैं डायग्राम से समझाता हूं, विच इंक्रीज द कूलिंग सरफेस एरिया। इसका मेन काम है कूलिंग सरफेस एरिया बढ़ा देना एंड प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन टू असेंडिंग वेपर एंड डिसेंडिंग लिक्विड। मतलब इसका टू वर्क्स है, एक तो कूलिंग सरफेस एरिया बढ़ा देता है, दूसरा होता है कि जो वेपर है, ठीक है, उसको वेपर को चढ़ने से रोकता है एकदम, और लिक्विड को एकदम नीचे आने से रोकता है। मतलब है कि एक प्रकार का एक ऑब्स्ट्रक्शन रखता है कि वेपर ज्यादा ऊपर ना चढ़े और लिक्विड एकदम फ्लास्क में ना जाए। ओके, ऐसा रिजल्ट वेपोराइजेशन एंड डिस्टिलेशन कैरिड आउट एट ईच पॉइंट ऑफ कॉलम एंड वेपर राइजिंग अप बिकम्स रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ऐसा होने से क्या होगा बच्चों कि जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा वेपराइज्ड है उसकी वेपर तो ऊपर पहुंच जाएगी, और जो लिक्विड सबसे कम वॉलेटाइल है वो कॉलम के नीचे पार्ट में कलेक्ट हो जाता है मोर एंड, ठीक है, लिक्विड फॉलिंग बैक इन टू द फ्लास्क बिकम रिचर इन लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट। Thus, low boiling liquid distilled first, while higher boiling liquid distilled afterward. समझ गए ना बच्चों? जैसे कि separation of acetone है और methyl alcohol है, आप देख रहे हैं कि boiling point में काफी difference है, ठीक है? कितना है ये? 329 kelvin. ठीक है, बस separation of 329 and methyl alcohol 338 आप देखते हैं क्रूड पेट्रोलियम से एलपीजी सीएनजी गैसोलीन केरोसिन इन सब का सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होता है। समझ गए बच्चों? तो आप यहां समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, प्रभाजी आसवन तब यूज किया जाता है बच्चों जब दो या दो से ज्यादा जो द्रव आपस में मिले हैं उनके क्वथनांक काफी नजदीक हो, मतलब 10 से 15 केल्विन का ही डिफरेंस हो, तब ऐसे में हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए साधारण आसवन यूज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साधारण आसवन में तो सारे वाष्पित हो जाएंगे एक साथ, और सब मिक्सर जो बाहर हमें डिस्टिलेट मिलेगा उसमें सारे कंपोनेंट्स फिर आ जाएंगे। तब हम इस मेथड का यूज करते हैं ताकि एक एक जो कंपोनेंट है भले उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है वो हमें सेपरेट मिल जाए। इसमें क्या होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग एक प्रभाजी कॉलम लगा के फिर आसवन कराया जाता है। ये जो प्रभाजी कॉलम है ये कूलिंग मतलब जो वाष्प बन रही है उसके लिए एक तो कूलिंग सरफेस एरिया बढ़ा देता है बच्चों उसके ठंडक का,
पृष्ठी क्षेत्र बढ़ा देता है, दूसरा एकदम वाष्प को ऊपर जाने से रोकता है, तथा द्रव को एकदम नीचे, जो कंडेंस्ड लिक्विड है उसको एकदम नीचे आने से रोकता है। और इस तरह से कॉलम के हर एक पार्ट में बार बार वेपोराइजेशन कंडेंसेशन चलता है, आसवन और उसमें क्या संघनन चलता है, और धीरे धीरे कॉलम के टॉप पर वही वेपर पहुंचती है, वही वाष्प पहुंचती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम हो, और नीचे की तरफ वो लिक्विड आता जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, और इस तरह से फाइनली हमें वो फ्रैक्शन मिल जाता है, प्रभाज मिल जाता है जिसमें कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो। तो यही मैंने लिखा है, किस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक द्रव जो मिश्रित हैं उनके क्वथनांक में काफी नजदीक होते हैं, जिनमें 10 से 15 केल्विन का अंतर होता है। इसमें मिश्रण को प्रभाजी स्तंभ की उपस्थिति में वाष्पित किया जाता है। यह स्तंभ वाष्पन के लिए ठंडक पृष्ठ क्षेत्र बढ़ा देता है, मतलब उसके संघनन का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ा देता है, तथा वाष्प को ऊपर जाने तथा द्रव को नीचे जाने से रोकता है। इस कॉलम में प्रत्येक बिंदु पर वाष्पन और संघनन होता है, तथा कम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प ऊपर चढ़ती जाती है, जबकि अधिक क्वथनांक वाला द्रव कॉलम में नीचे आता जाता है। ओके, अतः कम बॉइलिंग पॉइंट वाला द्रव का प्रभाज पहले मिलता है, तथा उच्च बॉइलिंग पॉइंट वाले द्रव का प्रभाज सबसे लास्ट में मिलता है। जैसे बच्चों एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल मिक्स हो, तो इनके जो है मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। 338 था, सॉरी बच्चों मैंने 348 कर दिया था, सॉरी ये है 338 केल्विन और 329 केल्विन। तो इनका सेपरेशन इस आप देख रहे हैं कि बहुत कम डिफरेंस है। ऐसे ही आप देखोगे जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, क्रूड पेट्रोलियम में डीजल है, कैरोसिन है, एलपीजी है, सीएनजी है, इनका सेपरेशन भी बच्चों प्रभाजी आसवन से ही किया जाता है। जो पेट्रोलियम मिलता है उससे सारे कंपोनेंट्स एक एक करके इसी मेथड से निकाले जाते हैं। अब देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आप और इजी समझ जाओगे। तो इसमें जो बच्चों ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसमें ये लिखा होता है कि लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, हम किस आसवन का किस जो है डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। तो ध्यान रखें इसके लिए क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो इसमें क्या होता है सिंपल से, और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों इस तरह से ये है फ्लास्क, ओके, यहाँ पर लिक्विड्स हैं मिक्सचर, सपोज इसमें ए प्लस बी प्लस सी ऐसे मिले हैं, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस मतलब बहुत कम डिफरेंस है। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह का एक कॉलम लगा दिया जाता है, ओके, उसमें कॉलम इस तरह से ग्रुप्स बने होते हैं, मतलब खांचे बने होते हैं, और यहाँ पर यहाँ से लगा दिया जाता है एक क्या, अभी आपको जो बताया था मैंने कि यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है जिसमें वाटर की सप्लाई रखी जाती है, और यहाँ पर इस तरह से हमें डिस्टिलेट मिलता है। अब देखो क्या होता है, इसको हीट किया, ओके, अब जब ये हीट किया जाता है बच्चों, तो यहां से थ्री कंपोनेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो ये तीनों के तीनों सपोज यहां पर ये वेपर स्टेट में आ गए, और ये तीनों यहां पहुंचे। तो यहां पहुंचते ही आप देख रहे हैं कि ये कॉलम लगा हुआ है, ये क्या है बच्चों, फ्रैक्सियोनेटिंग कॉलम, ओके, ये है प्रभाजी स्तंभ। तो यहां जैसे ही वेपर पहुंची तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ए यहां मान लो बी है और यहां सी है, तो यहां पर जैसे ऊपर पहुंचेगा तो ये सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है जबकि सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो इसकी वेपर तो काफी ऊपर तक पहुंच जाएगी, ठीक है, जबकि ए यहीं पर कंडेंस्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्योर स्टेट में कंडेंस्ड हो जाए, यहां पर लिक्विड जो कंडेंस्ड होगा उसमें ए, ठीक है, का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, उससे बी कम होगा और उसमें सी कम हो जाएगा, ओके। अब यहां पर तक वेपर पहुंच गई, तो यहां पर बी ज्यादा होगा और सी कम होगा, और यहां तक ये जो वेपर पहुंच रही है बच्चों, हो सकता है कि यहां सी बहुत ज्यादा हो जाए ए और बी से, और लास्ट में यहां जो वेपर आएगी ये क्या हो जाएगी, टोटल प्योर सी, मतलब यहां तक सी जब पहुंचेगा तो बिल्कुल क्या हो जाता है, प्योर। तो आपने देखा है कि इसमें लिखा है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, एक तो वो कूलिंग सरफेस एरिया बढ़ाता है, दूसरा जो लिक्विड सबसे ज्यादा वोलेटाइल है उसको तो ऊपर तक पहुंचा देता है, और जो सबसे कम वोलेटाइल है उसको वापस कहां भेज देता है, फ्लास्क में। और इस तरह से इसके हर एक पॉइंट पर बार बार
कंडेंसेशन, मतलब आप इसको हीट करते रहोगे तो यहां पर धीरे धीरे ए की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, यहां बी की परसेंटेज बढ़ती जाएगी और यहां सी की, और लास्ट में यहां हम ये कहें कि प्योर सी पहुंच जाएगा और फिर ये वेपर बनके यहां से निकल जाएगा। तो इस तरह से कंपोनेंट्स को जो एक साथ वेपोराइज्ड हो रहे थे उनको एक एक करके टॉप तक पहुंचाता है, बाकी जिनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है उनको वापस नीचे लाता है, फिर हीट करते हैं तो फिर उसको ऊपर पहुंचा देता है। ऐसे पहले यहाँ ए था, यहाँ बी ज्यादा था, यहाँ सी, फिर जब सी निकल जाएगा तो फिर बी यहाँ पहुंच जाएगा और बी का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, ए का परसेंटेज यहाँ कम हो जाएगा और धीरे धीरे फिर लास्ट में क्या होगा बच्चों कि ए भी टॉप पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी जितने भी कंपोनेंट्स थे वो एक एक करके सेपरेट हो जाते हैं, समझ गए ना। तो ये कहलाता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, तो कॉलम की प्रेजेंस में होता है, कॉलम का वर्क क्या है, तो उसको वेपर को एकदम ऊपर चढ़ने से रोकना और लिक्विड को एकदम नीचे आने से रोकना, और सबसे लेस वॉलेटाइल को नीचे रखना और सबसे हाई वॉलेटाइल लिक्विड को ऊपर तक पहुंचा देना उसकी वेपर को। ओके, इस मेथड में तब यूज करते हैं जब कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो इस तरह का प्रोसेस चलता है और ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो यहां तक हो।